हेलो, और भाई साहब राम राम। क्या हाल है भाई? सो के जग रहा हूँ और राइफल उठाए हुए जा रहा हूँ। असला चुनाव में ड्यूटी लगने वाला संभल जा रहा हूँ। अच्छा, संबल लगी है पहले। हाँ, दूसरे चरण में संभल लगी। पहला चरण तो भाई साहब बहुत जोरदार रहे हो, अरे नहीं, अच्छा अपनी कसम झूठ ना बोल लो। मथुरा में तो खातों ना खुल लो बीजेपी को, अलीगढ़ मथुरा में अरे अपनी कसम। और वहां में अलीगढ़ में खाली एक सीट मिल सकते है बस बीजेपी है, अच्छा बाकी सब अपनी। एक बसपा मिल सकते, बाकी सब अपनी है। हाँ, अरे तो मथुरा में तो टोटल अपनी है, लेकर समझ आ गया भाई। आएगी तो एक बसपा की भले लेकर जानी, टोटल अपनी अच्छा, मथुरा में। तो ये को असर रहा वहां? सर हिंदू मुस्लिम चल नहीं पाया इस बार। हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया, जाट मुसलमान गुजर ये तीनों मिल गए इधर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो सपा हाँ, का बेस वोट होगा वो तो मिल ही गया होगा। और जो बाकी जो इस लहर में वो भी दे गए, जैसे जो नहीं होते जो खटीक खटीक जो होते हैं ना, हाँ, और बैकवर्ड में जाते हैं उतनी वैसी वो दे गई होंगी। हाँ वो दे गए। कुछ समझ गया मैं। कुछ ठाकुर वाकुर भी दे गए एंटी वाले, कुछ अच्छा, ब्राह्मण भी दे गए 10%। समझ गया। हाँ हाँ, जो लहर देख के चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ये जाता। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी का सपा है 55 सीटों का अनुमान है मेरे सामने, अच्छा 58 में से 55 सीटें लगभग गजब यार, इनकी, 53 आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है 55 सीटों का अनुमान है। वेरी गुड। देखो अब ऊपर वाला क्या करता है। वैसे 40 तो बिल्कुल पक्की है, 40 तो कोई रोकने वाला नहीं है 58 में अच्छा से। हाँ, अच्छा 58 में से 40 तो कोई रोकने वाला नहीं है बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा वैसे मेरा। और बाकी ऊपर जो है उन पर बहुत खर्रा वो है अच्छा अच्छा कंपटीशन है, इसमें बसपा भी बढ़ रही है। अच्छा हाँ, बसपा से भी टक्कर है कई जगह। समझ गया। बहरहाल हाँ, बीजेपी का नुकसान ही है हर जगह। बीजेपी का नुकसान तो इसे इससे जो अगला चुनाव हो रहा है ना, जो दूसरे चरण का, इसमें तो खाता भी नहीं खुलेगा कई जिलों में। बीजेपी का। हाँ अरे अपनी कसम, वेरी गुड। अच्छा संबल कब ड्यूटी है तुम्हारी? संबल में 14 तारीख की है दूसरा चरण है। देखो चलो बता ना फिर मुझे वहां की लोकेशन कैसे क्या रहता है। संबल, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, इसमें से मुरादाबाद में एक आध सीट भले आ जाए बीजेपी की, एक आध सहारनपुर में भले आ जाए, बाकी खाता नहीं खुलेगा किसी भी जिले में। अरे सही बता रहा हूँ, बड़ी बिल्कुल खराब पक्की स्थिति रिपोर्ट होगी समझना भाई बीजेपी साहब, बिल्कुल पक्की रिपोर्ट समझना मेरी। की। हाँ, जाट जा जाके प्रचार कर रहे हैं अच्छा, अपनी कसम। कैराना पे सीट पे जो बवाल चल रहा है ना कैराना पे, उस पर तो इतनी भयंकर बड़ी जीत होगी अब के रिकॉर्ड टूट जाएगा। अच्छा हाँ, और संगीत सोम हार रहा है मेरठ से, अतुल प्रधान जीत रहा है। अच्छा हाँ, और बाल्यान हार रहा है, जो सांसद है ना बाल्यान, उसने अपना कैंडिडेट जो उतारा वो हार रहा है मुजफ्फरनगर से। बड़े बड़े कैंडिडेट, और देखो उससे क्या नाम है, गाजियाबाद से लोनी से मदन भैया जीत रहा है, अच्छा और नंद किशोर गुजर वो हार रहा है। अच्छा और देखो उससे क्या कहते हैं, यहाँ से जे इसका राजनाथ सिंह का लड़का नहीं है, राजनाथ सिंह का, वो हार रहा है, अरे और वो जीत रहा है लड़का दूसरा जो गठबंधन वाला जो है। समझ गया मैं। तो ये कहो कि हाँ, आरएलडी मतलब जो है खूब अच्छे से वो दे गई। ऐसा गुजर जाट और अच्छा मुसलमान। लोग कह रहे थे कि वो ये मुसलमान और हिंदू चल जाएगा, चल नहीं पाया हिंदू मुसलमान। कुछ नहीं भाई साहब, हिंदू मुसलमान सब धरा लोग कह रह रहे थे, गया। लोग कह रहे थे जैसे ममडन को टिकट मिलेगी तो जाट वोट नहीं करेगा, ऐसा ऐसा हुआ नहीं। इस पे विरोध हुआ था, इस पे विरोध हुआ था तो जयंत चौधरी ने, वो जयंत चौधरी ने और राकेश संभाल सिंह ने लिया, तो संभाल वहीं लिया को इन ही साथ लोगों ने, दिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो हुआ था उसमें जो है विरोध जो है। अब देखो रामवीर उपाध्याय तक हार रहा है सादाबाद से अब के चुनाव। अच्छा हाँ बिल्कुल, जमाना जब थोड़ी, रामवीर उपाध्याय भी हार रहा है चुनाव, वहां भी लोक दल गठबंधन नहीं जाएगा। गया। वैसे यहाँ का चुनाव अभी हाथरस का तो तीसरे चरण में तुम्हारा, मैंने पूरी एटा इटावा ये सब कानपुर देहात भी आता, सब कानपुर तक जो है ये तीसरे चरण में, अभी दूसरे चरण में और बढ़त मिलेगी अभी साइकिल को, अच्छा, बहुत भयंकर। नहीं तो फिर उधर उधर तो पूर्वांचल में फिर तो है ही समाजवादी का ही सब है, रेला पेला, उधर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
ये तुम्हें गड़बड़ मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, फिरोजाबाद में, एटा में, हाँ नहीं, हाँ ही नहीं होगी तो वो ज्यादा नहीं, एक आध सीट पे एक होगा, नुकसान तो होगा बस। आध सीट पे नहीं, फिरोजाबाद तो मुझे टोटल सीट मालूम पड़ रही है, ना ना ऐसा नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ तुम भाई साहब, या तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैं तो कब जा, बिल्कुल अब जब, अब जाओगे कब? आज निकल जाएंगे यहां से, वहां अच्छा आज जाओगे तो वहां है कब? 14 का है, अच्छा 14 का है। 14 का है, मतलब पश्चिम तो समझ लो सपा कर दी बीजेपी पश्चिम ने तो। मैं समझ गया, पश्चिम में बस जाट गुजर यही पेलम पेल लगे। अच्छा यही यही ठोस वोट था पश्चिम में बीजेपी के पास, हाँ यही नाराज कर दिए उनने जाट और गुजर, यही ठोस वोट था बीजेपी के पास। हाँ जाट गुजर का ठोस वोट था, जाट गुजर, और पिछली बार तो जो जाटअप भी दे गए थे ना, हाँ बिल्कुल, और क्या, पिछली बार तो जाट उन्होंने दिया था, वो सही कह रहे बीजेपी में ही, बिल्कुल हाँ सही बात। पिछली बार तो जाटअप फाटअप सब दे गए थे, टोटल दे गए थे ब्रादर, हाँ और छोटी मोटी उसमें यात्रा उतनी सारे ही दे गए थे। बाकी 2-4% मुसलमान भी दे देते हैं, बिल्कुल सही है। मैं जो लहर देख के दे जाते हैं वो, चलो बाकी अब के भाई वोट अभी नहीं ठीक दिया। है, ठीक है भाई, एक मिनट में अभी करता हूँ कॉल। हाँ कर लेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।